सकते हैं। अगर प्राइवेट होती है तो फिर आपने एक ईमेल के थ्रू उनको इनविटेशन भेजना होता है, उसके बाद ही वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है, और इन चीज़ों में नहीं जाते, ये जस्ट एक एडिशनल फाइल्स होती है। लाइक आप अगर उसमें लाइसेंस ऐड करना चाहें, ये जस्ट एक एडिशनल फाइल बना देती है, ये भी एडिशनल फाइल बनाती है और ये भी बना देती है। सो लेट्स फॉर नाउ लेट्स स्किप दिस एंड क्रिएट रिपॉजिटरी। And let's refresh. Yep. So specific files private कर सकते हैं। So if you mean कि like आपके पास वो Docker repository में हो, लेकिन आपके पास जब आप उसको push करें, आप उसको upload करें to remote repository, तब आपके पास वो files नहीं जाए, तो वो चीज़ हो सकती है। I'm again not exactly sure आप किस तरह की private files चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ऐसी फाइल्स हो कि जो आपके पास गूगल के पॉजिटिव में हो, लेकिन जब भी आप उसको कमिट करें टू रिमोट के पॉजिटिव, तो वो रिमोट में ना जाए, आपके पास वो गूगल ही ऐड हो, तो वो चीज़ हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 फोल्डर्स हैं, जिसमें आपके पास एक फोल्डर जो है उसको प्राइवेट कर दें, बाकी 10 को पब्लिक कर दें, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। या तो आप जो रिपॉजिटरी है उसको एज अ होल या पब्लिक करना होगा या फिर प्राइवेट। तो रिपॉजिटरी को आप चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक फोल्डर्स को नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास एक गिटहब की रिपॉजिटरी बन गई, एंड ये कमांड्स है जो उन्होंने दिए हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कमांड्स भूल जाए, तो लाइक गेट इनिट्स वही कमांड है कि इनिशियलाइज कर गए, फिर होता है गेट ऐड और फिर फाइल का नाम जो स्टेजिंग एरिया में मूव कर दे, और फिर आता है कमिट जो उसको गूगल रिपॉजिटरी में ऐड कर दे। सो देन अगेन ब्रांच का नाम है, सो ब्रांच के लिए मैं बाद में आऊँगा, बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट क्विकली डू समथिंग। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर नाउ। अभी मैंने कमांड यूज़ किया गेट ब्रांच, फॉर नाउ इसको इग्नोर कर दे, इसके लिए मैं बाद में आऊँगा कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कमांड और क्या मतलब है इसका। सो नाउ एक गेट हब रिपॉजिटरी बन गई, नाउ लेट्स सी के हम उसको सिंक कैसे करेंगे। सो सिंक करने के लिए या लिंक करने के लिए बहुत ईजी कमांड है, गेट रिमोट एड ओरिजन और फिर रिपॉजिटरी का नाम। तो ये कुछ 3-4 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड अगेन गेट है, गेट हमेशा आपने लिखना है, रिमोट मीन्स के आपने एक रिमोट रिपॉजिटरी के साथ एक कुछ इंटरेक्शन करनी है। ऐड ऐड मीन्स के आपने रिमोट रिपॉजिटरी ऐड करनी है। रिमूव भी होता है डिलीट, अगर आपने रिपॉजिटरी डिलीट करनी है तो आपके लिए डिलीट होता है। तो गेट रिमोट ऐड विच मीन्स कि आपने एक रिमोट रिपॉजिटरी ऐड करनी है, और उस रिपॉजिटरी को आप एक नेम देते हैं। सो इस केस में ओरिजन है, सो ओरिजन आप कोई भी नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप उसको नेम दे सकते हैं, लाइक फर्स्ट सेकेंड कोई भी इस तरह कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ओरिजन जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। सो ओरिजन उसका नाम हो गया, एंड देन रिमोट रिपोर्ट जो है, ये जो लास्ट आर्गूमेंट है वो आपके जो रिपॉजिटरी का लिंक होता है ये वाला वो होता है। सो अब अगर इस कमांड को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो वो होगा गेट रिमोट। अच्छा, उसको ऐड करने से पहले उसको अगर आप ऐड करेंगे तो ट्राई भी करना है कि कैसे करेंगे। सो बिफोर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन की कमांड है छोटी सी, वो है गेट रिमोट डैश वी। गेट रिमोट डैश वी का मतलब होता है कि आप उसको चेक करें कि उसमें कौन कौन सी रिमोट रिपॉजिटरीज हैं। सो फॉर नाउ मैंने जल्दी से ये गेट रिमोट कर दिया और मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, दैट मीन्स कि अभी कोई भी रिमोट रिपॉजिटरी इस रिपॉजिटरी के साथ। अब अगर मैं इसको इसमें वो रिमोट रिपॉजिटरी ऐड करूँगा, तो गेट रिमोट ऐड और ओरिजन होता है, सो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फर्स्ट दे दूँ या गेट्स गो विद ओरिजन, और फिर उस रिपॉजिटरी का लिंक जो है सो वो आप वहाँ से कॉपी कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, इंटर किया। एंड अब अगर मैं फिर से कर देता हूँ गेट रिमोट वी, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ऐड हो गई, दो लिंक्स ऐड हो गए। तो एक अपलोड करने का है और फेच मीन्स के डाउनलोड करने का है, सो ये दोनों ऐड हो गए। दैट मीन्स के हमारा जो लोकल रिपॉजिटरी है वो सक्सेसफुली रिमोट रिपॉजिटरी के साथ कनेक्ट हो गया। सो अब फॉर एग्जाम्पल
ये जो कोड है यहाँ पे मैं आपके पास पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने चैट में पेस्ट किया है। अगर अब मैं यहाँ से कोड पुश करूँगा जो मैंने यहाँ पे किया है यहाँ पे, और आप इसको जब आप जो ये पोस्ट की है इसको फिर आप ओपन कर दें तो यहाँ पे जो कोड होगा वो आप वहाँ पे अपने साथ देख सकेंगे। व्हाट इज़ फर्स्ट एंड ऑरिजन? सो फर्स्ट एंड ऑरिजन ये जो फाइल है ऑरिजन, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने एज एन एग्जांपल मैंने फर्स्ट बोल दिया। सो यहाँ पे आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। सो इस केस पे मैंने ऑरिजन दिया है, और ऑरिजन का मतलब है कि जो आप इसमें मल्टीपल रिमोट रिपोजिटरी भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल आएगी तो हर एक को आपने कोई एक स्पेसिफिक नाम देना है ताकि आपको बाद में पहचान हो कि ये रिपोजिटरी का नाम ये था, इसका ये था। तो इसके रिपोजिटरी का नाम मैंने ऑरिजन रखा है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो फर्स्ट मैंने एज एन एग्जाम्पल यूज किया। तो अब ये जो फाइल्स है इनको मैं नहीं करता पुश। तो जस्ट टू शो यू कि जितनी भी गूगल के पॉजिटिव की फाइल्स होंगे वही जाएंगे। अगर बाकी कोई फाइल होगा लाइक जो स्टेजिंग एरिया में है या फिर जो वर्किंग डायरेक्टरी में है वो आपके पास गूगल रिमोट की पॉजिटिव में नहीं जाएंगे। सो लेट्स मूव बैक टू स्लाइड्स। ये हमारे पास हो गया कि हाउ टू लिंक देम। नाउ पुश एंड पुल। सो नॉर्मल जो टर्म्स होते हैं हम यूज़ करते हैं वो होता है अपलोड और डाउनलोड। अपलोड का मतलब है सेंडिंग फ्रॉम सेंडिंग टू इंटरनेट, और डाउनलोड होता है सेंडिंग फ्रॉम इंटरनेट लाइक सेंडिंग अपने इंटरनेट से अपने गूगल डेस्क पे ऐड करना। सो गिटहब पे या गिट पे उसके बजाय अपलोड और डाउनलोड के बजाय दो टर्म्स यूज होती है पुश एंड पुल। पुश का मतलब होता है अपलोड करना एंड पुल का मतलब होता है डाउनलोड करना। पुश का मतलब होता है कि आप अपनी गूगल रिपॉजिटरी से रिमोट के पॉजिटिव पे सेंड कर रहे हैं, और पुल का मतलब होता है कि आप अपने रिमोट के पॉजिटिव से गूगल के पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं। सो ये दो टर्म्स होती है जो हमें आप यूज़ करते हैं बजाय अपलोड या डाउनलोड के। सो अब हम पुश करेंगे क्योंकि हमने गूगल के पॉजिटिव से रिमोट के पॉजिटिव में कोड ऐड करना है। सो उसके लिए हम ये वाला कमांड है जो है गिट पुश ऑरिजन स्पेस और मास्टर। सो मास्टर जो है वो ब्रांच का नाम है। सो इसके लिए सो बेसिकली होता ये है कि आपके पास ब्रांचेस बनते हैं। सो फॉर नाउ लेट्स इग्नोर दिस मास्टर एंड डू दिस गिट पुश ऑरिजन। आई थिंक ये होगा नहीं। यप। सो हमारे पास जो कमांड होती है गिट पुश और फिर उस का नाम, उस रिपोजिटरी का नाम एंड देन ब्रांच का नाम। सो ऑरिजन जो होता है वो रिपोजिटरी का नाम होता है। सो रिपोजिटरी का नाम का मतलब है यहाँ पे जो आपके पास गिट रिमोट वी है हमने किया था तो वहाँ पे ये जो ऑरिजन था तो वो रिमोट रिपोजिटरी का नाम हो गया, और उसके बाद उस ब्रांच का नाम। सो ब्रांचेस भी एक फोल्डर होते हैं लाइक ब्रांचेस के लिए मैं बाद में आऊँगा, बट फॉर नाउ ये जो ब्रांच है इसका नाम है मेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन। सो गेट पुश ऑरिजन और स्पेस मेन, क्योंकि मुझे मेन का जो कंटेंट है मेन में जो मैंने चेंजेस किए वो मैंने सेंड करनी है। सो गेट पुश स्पेस ऑरिजन स्पेस मेन, जब मैं ये करूँगा तो ये अभी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। और इसके साथ ही इसका क्वेश्चन है कि काइंडली डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फेच एंड पुल। सो पुल जो है वो आपके पास कॉन्टेंट लाता है और मर्ज भी कर देता है, वह जो फेच है वो जस्ट चेक करता है कि आपके पास जो कंटेंट है उसमें जो चेंजेस हैं। सो पुल जो है वो दो काम करता है, वह फेच जो है वो जस्ट एक काम। पुल जो है वो एक कम्बिनेशन है फेच का और मर्ज का, और फेच जो है वो जस्ट फेच करता है मतलब देखता है कॉन्टेंट रिमोट रिपॉजिटरी का और लोकल रिपॉजिटरी का। नाउ यहाँ पे जो चेंजेस थी वो रिमोट ब्रांचेस इन लोकल रिपॉजिटरी टू गेट। यप, मैंने एक ब्रांच बनाई थी बट लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ। उस ब्रांच के लिए मैं आऊँगा बाद में, लेकिन फॉर नाउ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से पुश किया गेट पुश ऑरिजन। अब मैं अगर अपने कोड पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे index.html आ चुका है, और इसको मैं
मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास वो जितने फाइल्स थे वो सब फाइल्स यहाँ पे मेरे पास आ गए। सो ये है कि आप कैसे उसको पुश कर सकते हैं एंड देन उसको मैंने हमने स्टार्टिंग में ऐड किया फाइल को, स्टार्टिंग में पोस्ट की इनिशियलाइज की, उसके बाद हमने कंटेंट को ऐड किया यहाँ पे यूजिंग गेट ऐड, जिसकी वजह से वो स्टेजिंग एरिया में आ गया और उसके बाद हमने उसको कमिट किया जिसके बाद वो लोकल रिपोजिटरी में आ गया और फिर हमने एक जो गिटहब की रिपोजिटरी बनाई थी उसके साथ हमने उसको सिंक लिंक किया बाय यूजिंग गेट रिमोट ऐड और फिर अभी हमने गेट पोस्ट किया विच इज़ गेट पोस्ट ओरिजिन मेड। सो ये कमांड थी कि आप उसको कैसे पुश कर सकते हैं। जो अभी नेक्स्ट चीज़ है, आपकी जितनी भी क्वेश्चन है उनकी तरफ मैं एंड पे आऊँगा। फर्स्ट गेट मी कंप्लीट दिस स्लाइड्स और फिर मैं आप क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। आप जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गेट पुल। पुल का मतलब होता है कि आप किसी ओरिजिन से, आप किसी कॉन्टेक्ट, आप किसी रिपोजिटरी से, रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में कोड को पुल करना, डाउनलोड करना। सो इस केस में मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेंजेस कर देता हूँ और फिर मैं आपको बता दूँगा वो कैसे आप लोकल रिपोजिटरी पे ऐड करेंगे। सो फॉर अ सेकेंड लेट्स इमेजिन के कोई और बंदा आया और उसने चौथे दिन का काम कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जस्ट डायरेक्टली चेंजेस की है विच इज़ नॉट इनकरेज। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए बट जस्ट उसको कोड को पुल करने का तरीका जो होता है, कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं वो चीज़ बतानी है, मैंने जस्ट यहाँ पे चेंजेस किए। सो अब ये होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक वन एडिशनल गाइड है जबकि जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें नहीं है वो। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें जस्ट है वो थर्ड डे है। दैट मीन्स के जो चौथे दिन का काम है मतलब जो फोर्थ गाइन है वो यहाँ पे नहीं है। तो उसको लाने के लिए मेरे पास जो कमांड है वो है गेट पुल ओरिजिन एंड मेन। जब मैं ये कमांड यूज़ करूँगा तो जितना जो कंटेंट होगा रिमोट रिपोजिटरी में, अगर वहाँ पे कुछ एडिशनल फाइल्स हैं तो वो वहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। जब मैं ये ऐड करता हूँ गेट पुल ओरिजिन तो जो चेंजेस थी वो यहाँ पे मेरे पास आ गई। जस्ट अ सेकेंड। ओके सो यहाँ पे आपके पास चेंजेस आ गई एंड आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ है वो फोर्थ डे पे आ गया। सो दैट मीन्स के जो रिमोट रिपोजिटरी में जो चेंजेस थी वो हमने लोकल रिपोजिटरी पे ऐड कर दी। यू कैन ऐड थिंग्स दैट इज हाउ यू कैन डाउनलोड योर कोड। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, मैंने उसको पुश कर दिया, मेरा जो दोस्त था जो उसी एफ आई पी पे काम कर रहा है वो, उसने जब वो चेंजेस आ गई उसने वहाँ से गेट पुल यूज़ किया और अपने पी सी पे वो जितना कोड था वो उसने डाउनलोड कर दिया। सो दैट इज़ लाइक हाउ टू पीपल कैन सिंक और हाउ डिफरेंट 100 or 1000 पीपल कैन सिंक एंड ऐसे ही होता है जो जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जब काम करते हैं डेवलपर्स तो वो यही पुश और पुल यूज़ करते हैं टू अपलोड द कोड एंड टू डाउनलोड द कोड। Now, let's talk about branches. So, branches जो होती हैं वो आपके पास just like जो folders होते हैं उसी तरह होते हैं। So, for example, आपके पास एक folder है उसमें आपने changes कर दी एंड फिर आपने उसी की कॉपी बना दी और उसमें कुछ न्यू एडिशन कर दी, आपके पास दो फोल्डर्स आ गए, एक में कुछ और ज़्यादा कॉन्टेंट है और एक में जो है तो प्रीवियस का कॉन्टेंट है। तो फोल्डर्स भी, ब्रांचेस भी इस तरह होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक दूसरा फोल्डर बना दें और उसमें आपने कुछ चेंजेस कर दी। सो इसी तरह होते हैं फोल्डर्स।
ब्रांचेस. सो अब हम एक ब्रांच बनाएंगे एंड आई विल शो यू कि आप ब्रांच कैसे बनाते हैं और फिर उसमें चेंजेस कैसे करते हैं और फिर उसको कैसे आप उस ब्रांच को आप कैसे पुश करते हैं टू अवर पोस्ट की. सो उसके लिए लेट्स गो बैक टू द कोड. एंड ब्रांचेस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अभी मैं जो मेरे पास ब्रांच है वो है मेन की ब्रांच. एंड आप अगर ब्रांच टोटल ब्रांचेस चेक करना चाहें सो लेट्स फर्स्ट सी कि आप टोटल जो ब्रांचेस होती है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ब्रांच और फिर मेरे पास जस्ट ही एक ब्रांच आ गई. और अगर आप कोई न्यू ब्रांच बनाना चाहते हैं तो उसका जो कोड होगा जितने जो कोड्स हैं जो अभी मैंने कमांड्स है लाइक गेट ऐड गेट पुश ब्रांचेस की जो कमांड से स्टेटस हो गया उन सब का लास्ट में मैंने वो ऐड किए तो लास्ट में वो स्लाइड में दिखा दूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट उसको ले सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू ब्रांच बना ली. सो न्यू ब्रांच का जो कोड था वो था गेट ब्रांच और फिर उस ब्रांच का नाम. सो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांच बनाता हूँ मास्टर के नाम से. सो गेट ब्रांच मास्टर एंड इस कमांड की वजह से हमारे पास एक मास्टर की ब्रांच बन जानी चाहिए. या हमारे पास एक मास्टर की ब्रांच बन गई है. सो स्टार्टिंग में हमारे पास जस्ट मेन आ रहा था लेकिन अब मास्टर भी है. दैट मीन्स कि मास्टर की ब्रांच बन गई है. अब जो सेकंड टास्क है वो है राइट एक न्यू दूसरा फोल्डर तो बन गया लेकिन अब उस फोल्डर में जाना भी है उस ब्रांच में जाना भी है. तो उस ब्रांच में जाने के लिए कमांड है गेट चेकआउट गेट स्पेस चेकआउट स्पेस उस ब्रांच का नाम. सो उस ब्रांच में जाने के लिए गेट चेकआउट और इस केस में है मास्टर. सो मास्टर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया मास्टर के लिए. अब अगर मैं करता हूँ गेट ब्रांच तो जो मास्टर ब्रांच है वो हाइलाइटेड है. दैट मीन्स कि अभी हम मास्टर ब्रांच पे हैं. अब जो हमने दूसरी ब्रांच बनाई थी मास्टर में उसमें हमने चेंजेस ऐड कर दी. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इन इन ब्रांच में मैंने फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस कर दी. अब ये जो चेंज है ये मैंने चेंज किया और इसको मैं कमिट भी कर देता हूँ. Let's commit both of these part. अब मैंने एक कमेंट किया है जिसपे मैंने ये वाला फाइल ऐड किया उसमें ये कॉन्टेंट भी ऐड किया और साथ में ये style.css की फाइल भी ऐड की. तो अब ये होगा कि अब जो ये मास्टर का ब्रांच है इसमें चेंजेस आ गई लेकिन जो ये चेंजेस थी ये मेन ब्रांच में नहीं है. अब जो ये चेंजेस आ गई हैं ये सिर्फ मास्टर ब्रांच में आई है और जो मेन ब्रांच है उसमें जस्ट index.html ही होगा. सो दैट इज लाइक हाउ यू कैन एड एडिशनल कॉन्टेंट जो कि दूसरे ब्रांचेस में नहीं होगा उस सिर्फ उस स्पेसिफिक ब्रांच में होगा. सो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं वापस चला जाता हूँ प्रीवियस जो ब्रांच था जो कि था मेन. मैं मेन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो चीज़ें रिमूव हो गई. अब मैं वापस मास्टर पे जाता हूँ तो वो चीज़ें पर से आ गई. सो दैट इज़ हाउ यू कैन ऐड मोर कॉन्टेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस. अगर मैं मेन ब्रांच पे जाऊँगा और वहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐड करूँगा तो वो मेन पे होगी लेकिन यहाँ पे नहीं होगी. तो अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड कर दी. अब इसको मैं चाहता हूँ कि मैं आप इसको पुश कर दूँ. सो इसको पुश करने के लिए आपके पास जो अगेन वही कमांड होगी गेट पुश स्पेस रिमोट के पोस्ट का नाम स्पेस ब्रांच का नाम. स्टार्टिंग फर्स्ट जो हमने पुश किया था वो था मेन. अब जो मैं हम पुश करेंगे वो होगी मास्टर क्योंकि अब हम मास्टर ब्रांच पे हैं. तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर. अब ये रिपोस्ट की जाएगी ये जो कंटेंट था ये जाएगा गिटहब पे. अब अगर मैं यहाँ पे गिटहब पे अब आ जाऊँ और इसको यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास
ये एक मैसेज आ गया, मास्टर हैड रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो, विच मीन्स के यहाँ पे हमने किसी भी बंदे ने एक चेंजेस जो है वो पुश की है और वो इस मास्टर ब्रांच में है. सो अगर मैं इस मास्टर ब्रांच को क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये index.html है, साथ में वो दो फाइल्स भी हैं. अब मैं चाहता हूँ मैं इसको जो मेन ब्रांच है उसके साथ मैं मर्ज कर दूँ, मतलब जो इसका कंटेंट है और जो मेन ब्रांच का कंटेंट है मास्टर और मेन दोनों का, उन दोनों को मैं एक ही कर दूँ, उन दोनों को मैं मर्ज कर दूँ. तो उसके लिए आप यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे. कोई मुझे कंफर्म कर दे जो मेरा गिटहब है क्या वो शो नहीं होगा? स्क्रीन शेयर हो रही है, लगता है उनका जो है वो इंटरनेट कनेक्शन इशू होगा. आपका शो हो रहा है? ऑलराइट. अब वो जो बटन था कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, वहां पे मैं आ गया हूँ और ये एक पुल रिक्वेस्ट है. सो अभी इसमें नहीं जाते, लेट्स फर्स्ट गो बैक टू योर स्लाइड्स. उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ. सो जो ब्रांचेस थी वो मैंने दिखाई है कि आप कैसे न्यू ब्रांच बनाते हैं और कैसे उस ब्रांच में जाते हैं. अगर आपने ये दोनों कमांड आपने यूज़ नहीं करते, आप एक शॉर्ट हैंड यूज़ करना चाहते हैं, एक ही कमांड यूज़ करना चाहते हैं जिससे आपके पास न्यू ब्रांच भी बन जाए और आप उसमें मूव भी हो जाए, तो उसके लिए एक ये शॉर्ट हैंड है गेट स्पेस चेकआउट डैश बी और फिर उस ब्रांच का नाम. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो ब्रांचेस हैं, मेन और मास्टर. मैं तीसरी ब्रांच बनाता हूँ बग डैश फिक्स के नाम से. सो अगर मैं वो जो प्रीवियस मेथड है वो ये था कि इस तरह मैं ब्रांच ऐड करूँगा और फिर उसके बाद चेकआउट करूँगा, लेकिन अगर मैं जस्ट ये कर देता हूँ गेट चेकआउट डैश बी, तो दैट मीन्स के एक न्यू ब्रांच बनेगी बग फिक्स के नाम से और वो चेकआउट भी हो जाएगा, मतलब कि उस ब्रांच में चला जाएगा जो गेट है. इसको मैंने ऐड किया, इंटर किया और अब मैं गेट ब्रांच कर दूँ तो ये बग फिक्स पे आ गया. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बग फिक्स पे. सो ये एक शॉर्ट हैंड है, अगर आप दोनों दो कमांड्स नहीं यूज़ करना चाहते तो ये शॉर्ट हैंड है कि गेट चेकआउट डैश बी और फिर ब्रांच का नाम जिससे वो उस ब्रांच में चला जाता है, बनाते थे और फिर उसमें जाते हैं. सो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ अ शॉर्ट हैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुल रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं. सो इसी पे मैं पुल रिक्वेस्ट बना देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये मास्टर ब्रांच में जो चेंजेस थी वो मैंने कर दी और हमारे पास जो ये मेन ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ये एक मेन ब्रांच है. अब मैं अपने FIP पे फॉर एग्जांपल काम करूँ तो मैं यहाँ पे कंटेंट अपना कोड ऐड करूँ, मेरा दोस्त है वो भी यहीं पे ऐड कर रहा है, तो ये एक मैंने कोड ऐड किया हुआ है. अब इमेजिन के जो मास्टर की जो चेंजेस थी वो मेरे दोस्त ने की है और उसने वो पुश कर दी, तो अब इस तरह हो सकता है कि उसने कुछ इस तरह उसने जो index.html है उसमें उसने कुछ कंटेंट चेंज किया, कुछ ऐड किया हो, कुछ रिमूव किया हो. तो अब अगर उसके पास एक अपनी कॉपी होगी, अगर उसके पास फॉर एग्जांपल इसकी कॉपी है, उसने index.html अपना बना दिया, मैंने अपना बना दिया, तो अब एक तीसरा बंदा आएगा या फिर हम दोनों में से कोई एक होगा जो उन दोनों दोनों की कॉपीज़ है उन दोनों को देखेगा, उनमें जो चेंजेस है उसके बाद उन दोनों को मर्ज करेगा खुद ही और जो कि काफ़ी लंबा काम है. आपके पास फॉर एग्जांपल 50 लाइंस चेंज हो गई है, 50 लाइंस ऐड हो गई है, 10 लाइंस रिमूव हो गई है जस्ट एक फाइल से, इस तरह दूसरे में भी चेंजेस हो गई, तीसरे में भी हो गई है. तो फिर एक बंदा जब अगर उन दोनों को चेक करेगा कि कहाँ से कहाँ चेंज हुई है, फिर उसको मर्ज करेगा, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. तो यहाँ पे गेट की सहूलत है और वो ये है कि अब फॉर एग्जांपल इमेजिन जो मास्टर की जो चेंजेस थी जो अभी हमने की है, और चेंजेस क्या थी, चेंजेस ये थी कि मैंने यहाँ पे जस्ट ये वाली फाइल ऐड की है, ये कॉन्सोल लॉग ऐड किया. सो ये जस्ट एक एग्जांपल है, इस तरह काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस भी आएंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 लाइंस का कोड है इसमें जस्ट 10 लाइंस चेंज हो गए. अगर मैं एज अ ह्यूमन उसको चेक करूँ तो मैं एक एक लाइन देखूँगा दोनों की, लाइक यूज़र ए का फर्स्ट लाइन क्या है, यूज़र बी का क्या है, फिर सेकेंड क्या है, यूज़र बी का सेकेंड क्या है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन अगर मैं GitHub यूज़ करूँ और Git यूज़ करूँ, तो अब इमेजिन कि मेरे दोस्त ने ये मास्टर ब्रांच में चेंजेस किया, मास्टर ब्रांच में कंटेंट ऐड किया और उसको यहाँ पे पुश कर दिया.
सो अब जो है अब ये होगा कि ये मास्टर ब्रांच है, अब इसमें एडिशनल कंटेंट है और ये कंटेंट जो है मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, विच मीन्स कि मैं ये जो कंटेंट है और ये जो कंटेंट है इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पे जो ये बटन है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, जो मैंने टैप किया और यहाँ पे आप उसका नाम ऐड कर दे, फॉर नाउ इसको एस सी करने देते हैं। ये आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टाइटल होता है, और आप कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का जो बटन होता है उस पर आप टैप कर दें, तो यहाँ पे आपके पास एक चेंज आ गया, एक रिक्वेस्ट बन गई कि कोई बंदा है जो कि मास्टर का जो कोड है वो मेन ब्रांच में ऐड करना चाहते हैं, और फाइल चेंजेस पे आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या फाइल चेंज हुई है। और अगर आप इसको मर्ज करना चाहते हैं विद मेन ब्रांच, तो जस्ट आप यहाँ पे जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट होता है वो ऐड कर दें, कन्फर्म मर्ज कर दें और ये मर्ज हो गया। और अगर मैं अब यहाँ पे कोड पे वापस आ जाऊँ, ये मेन ब्रांच है और यहाँ पे वही तीन फाइल्स आ गई। अब ये तो दो फाइल्स में चेंजेस हुई है और मेन ब्रांच में index.html था। अब इमेजिन कि मैं index.html में भी वो बंदे चेंजेस कर दें, तब क्या होगा? लाइक फॉर एग्जांपल उस बंदे ने यहाँ से ये हटा दिया, ये मैंने एक दूसरी ब्रांच बनाई है और यहाँ पे उसने कुछ चेंजेस कर दिए, अब मैं इसको ऐड करके अब मैं इसको भी पुश कर देता हूँ। अगेन जो पुश का कमांड है वो है गेट पुश स्पेस ओरिजिन, ओरिजिन वही रिपोर्ट रिपोजिटरी का नाम हो गया और बग फिक्स जो है उस ब्रांच का नाम हो गया। ये ऐड हो गया और जब ये ऐड हो गया तो मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास फिर से वो मैसेज आ गया, मैं फिर से कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कर दूँ चेंजेस इन इंडेक्स, एंड अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे वो जितनी चेंजेस हुई है उस फाइल में वो आप देख सकते हैं। ये जो लाइन है ब्लू, इसका मतलब है कि ये ऐड हुई है, और ये जो रेड लाइन है इसका मतलब है ये कंटेंट रिमूव हो गया। तो जस्ट मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद जो भी चेक करेगा वो आके देख सकता है कि क्या क्या चेंजेस इसमें हुई है, और यहाँ पे वो चेंजेस देख सकता है फाइल चेंज में और कमिट्स भी देख सकता है, कन्वर्सेशन पे वापस आ जाए और जस्ट इसको कन्फर्म मर्ज कर दे, तो ये दूसरी जो ब्रांच थी वो भी मर्ज हो गई। अब मैं रिक्वेस्ट में वापस आ जाऊं, क्लोज में आ जाऊं, तो जो दो रिक्वेस्ट मैंने बनाई थी वो यहाँ पे आ सकते हैं, वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से वो दोनों चेंजेस आ गई। अच्छा, अब दानिश का जो क्वेश्चन है कि आप कोई एक्सक्लूसिव चेंजेस दे सकते हैं, तो ताकि तो अब इस तरह होता है कि जो रिपोजिटरीज होती है, फॉर एग्जांपल अब ये तो मेरा अपना प्रोजेक्ट है, अब फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पर्सन है जो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, तो उसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वो किस तरह होगा। अब जो साइबर सिक्योरिटी क्लब है उसकी एक रिपोजिटरी है, फॉर एग्जांपल दिस वन फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, अब ये भी आसिम ने बनाया है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस कंट्रीब्यूटर में मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे अब इसको यहाँ पे चेंज करने के लिए ये है कि मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कि मैं यहाँ पे कुछ पुश नहीं कर सकता, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंजेस करने के लिए दो चीज़ें करनी होगी, एक तो इसकी कॉपी बनानी होगी मेरे अपने प्रोफाइल में, मेरा जो अपना ये जो मेरा प्रोफाइल है यहाँ पे मुझे कॉपी बनानी होगी, तो यहाँ पे है आ जाए, और जो सेकंड चीज होगी पे यहाँ पे जो मैं कॉपी बनाऊंगा उसकी उसमें मैं अपने चेंजेस ऐड करूंगा और उसके बाद वो चेंजेस जो है वो मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करूंगा, और वो जो चेंजेस है वो किस ब्रांच में मर्ज होगी
वो उस रिपोजिटरी के मेंटेनर का है, वो किस किस में किस में वो चेंज करते हैं। सो अब ये आसिम ने ये रिपोजिटरी बनाई है, आसिम इसका ओनर है, तो आसिम के पास है कि वो जो पूरी रिक्वेस्ट है वो किस ब्रांच में मर्ज करें। तो आप एक ही ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, मास्टर, मेन, कोई भी एक स्पेसिफिक ब्रांच होगी जिसमें जितना कॉन्टेंट है वो सारा ऐड होगा। सो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने कॉन्ट्रीब्यूटर में मैं अपना नाम ऐड करना चाहूँ, तो उसके लिए ये फॉर्क का बटन है, जब मैं ये दबाऊंगा तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल ऐड कर देना, ये जो दो है इसको इग्नोर कर दे, ये मेरा प्रोफाइल है, इस पर मैंने टैप किया, तो इस बटन से ये होगा कि जो इसका जो ये जो रिपोजिटरी थी उसकी कॉपी बन जाएगी मेरे अपने प्रोफाइल पे, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रांच था वहाँ पे जो रिपोजिटरी थी ये वाली जी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोई चेंजेस नहीं कर सकता अंटिल अनलेस मुझे उस रिपोजिटरी का ऑनर जो है मुझे उसका एक्सेस दे दे। सो जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 1000 कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, तो वहाँ पे अब वो मेंटेनर 1000 लोगों को तो एक्सेस नहीं दे सकता कि रोज़ाना रोज़ाना लोगों से मैसेज करें कि मुझे एक्सेस दे दो, मुझे दे दो, और फिर वो उनको ये इन्विटेशन भेजे। सो जिस किसी को भी चेंजेस करनी है वो जस्ट उसको फॉक कर दें यहाँ से, और अब ये मेरे पास एक कॉपी बन गई। अब इसमें मुझे अगर कुछ चेंज करना होगा तो मैं ये कोड का बटन दबाऊंगा, यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, ये जो वो है, और अब मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ फिर से। अब जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं ये जो कोड है इसको मैं पुल करूँगा अपने साथ। सो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और बजाय गिट पुल के मैं यूज़ करूँगा गिट क्लोन। गिट क्लोन का मतलब होता है कि उसकी आप कॉपी बना दें। पुल आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास पैसी की पॉजिटिव बन चुकी है, आपने रिंकिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे आप पुल यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में मैं क्लोन इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे इस रिपॉजिटरी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अपने हार्ड डिस्क में, तो इसलिए मैं क्लोन करूँगा। क्लोन से ये होगा कि वो इसका जो फोल्डर है वो भी बना देगा। तो ये जब मैंने ये ऐड किया तब ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये क्लोन हो जाएगा। और ये देख सकते हैं अभी जैसे ही मैंने उसको ऐड किया, इंटर किया, तो उसका उसने क्लोन बना दिया। अब मेरे पास एक फाइल आ गई होगी फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से। सो अब मैं कोड उस कंट्रीब्यूशन की जो फाइल थी उसको मैं ओपन कर देता हूँ वी एस कोड में, या आप कोई भी अपने जो कोड एडिटर है उसमें ओपन कर सकते हैं। सो अगेन ये वाली जो चीज़ है इसका गिटहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वही कंट्रीब्यूटर्स की फाइल है। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम ऐड कर दिया, और मैं अपना लिंक भी ऐड कर देता हूँ उसी के साथ। सो ये मैंने चेंजेस चेंज कर दी। अब उसी तरह जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो गेट ऐड और गेट कमिट, मैंने उसको कमेंट मैसेज कर दिया और इसको मैं पुश कर देता हूँ गिट पुश ओरिजिन मेन। तो अब ये जो कोड है ये पुश हो गया, पुश हो रहा है टू माय रिपोजिटरी जो कि मैंने कॉपी बनाई थी, और ये सक्सेसफुली पुश हो चुका है। अब मैं जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वो रिपोजिटरी है जो ओरिजिनल रिपोजिटरी थी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं आया, बट यहाँ पे आ गया चेंज। एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं एड असरान खटक। अब इसको मैं ओपन कर दूँ तो यहाँ पे ये मेरा जो गिटहब का लिंक है वो ऐड हो गया। अब मैं इसका मैं पुल रिक्वेस्ट बनाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे मैंने उस रिपोजिटरी उस मेन रिपोजिटरी में डायरेक्ट चेंजेस किए, मैंने न्यू ब्रांच नहीं बनाई, मैंने उसी में चेंजेस किए, लेकिन स्टिल जो मेन रिपोजिटरी है वो सेफ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। अब मैं चाहता हूँ ये जो रिपोजिटरी है यहाँ पे जो चेंजेस हुई हैं ये इस रिपोजिटरी में भी आ जाए, तो उसके लिए मुझे पुल रिक्वेस्ट बनानी होगी ताकि ये जो चेंजेस है वो इस मेन रिपोजिटरी पे भी रिफ्लेक्ट हो जाए। और उसका वही सेम मेथड है,
कि मैं जो यहाँ पे देख सकते हैं बेस की पॉस्ट की वही है जो साइबर सिक्योरिटी क्लब की है, और जो जहाँ से मैंने उसको जहाँ से न्यू कंटेंट मैंने उसको भेजना है वो जो मैंने पॉस्ट की थी मेरे पास जो थी, और सिंपल मैं यहाँ पे चेंजेस हैं जो मैंने ऐड किए, और यहाँ पे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ और कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूँ और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो गई। तो अब जो है साइबर सिक्योरिटी की जो मेन ब्रांच थी ये वाली, यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट बन गया। सो पुल रिक्वेस्ट हर कोई बना सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट आपके पास 1000 आ सकते हैं, लेकिन वो आप मर्ज करना चाहे आप उसको रिमूव करना चाहे। तो अब ये एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट बन गई। अब जब तक इसका जो मेंटेनर है वो उसको मर्ज नहीं करता तो वो चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। जब जब वो उसको मर्ज कर देगा तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर्स की फाइल है उसमें चेंजेस आ जाएंगे और वो रिपॉजिटरी यहाँ पे आ जाएगी, वो चेंजेस जो है वो इस फाइल में आ जाएंगे। अब अगर आसिम को चेंजेस करता है तो वो चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन इस जो मेरे रिपॉजिटरी थी जो मैंने अभी बनाई थी उसमें फिलहाल नहीं आएंगे इस रिपॉजिटरी में जो ये वक्त थी, इसमें इसमें गाने के लिए वो चेंजेस उसको गाने के लिए मुझे फिर से उसको उन दोनों को सिंक करना होगा, और उसके लिए जो है तो मुझे फिर से वहाँ का जो कंटेंट है आई मीन यहाँ का जो कंटेंट है वो मुझे लोकली डाउनलोड करना होगा, पुल करना होगा, और उसके बाद उसको यहाँ पे पुश करना होगा। तो वो ये वाला भी अपडेट हो जाएगा। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे मैसेज है दिस ब्रांच इज व्हाट वन कमिट बिहाइंड, सो ये कमिट बिहाइंड हो गया, जो मेन रिपॉजिटरी है उसका एक एडिशनल कमिट आ गया, और ये जो है ये वन कमिट बिहाइंड है। तो अब अगर मैं इसको सिंक करना चाहूँ तो मुझे वहाँ का जो कंटेंट है ये जो मेन रिपॉजिटरी है उसको डाउनलोड करना होगा, पुल करना होगा, उसके बाद उसको अपने रिपॉजिटरी पे पुश करना होगा। सो ये था आपका आप कैसे पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं अपनी ब्रांच में और दूसरी ब्रांच पे, और ये कुछ कमांड्स हैं जो कि मैंने अभी बताए थे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो अभी इससे ले गए। एंड यहाँ तक है हमने जो कवर किया था वो है इनिट इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसके बाद ऐड कैसे करते हैं टू स्ट्रेजिंग एरिया, और फिर उसको कमिट कैसे कर देते हैं टू रिकवरी पॉजिटिव, और फिर हमने देखा उसको स्टेटस कैसे चेक करते हैं, उसको पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे होता है, और डिफरेंट ब्रांचेस कैसे बनते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि हम कैसे एक पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं अपनी ब्रांच पे, अपनी रिपॉजिटरी पे और किसी और की रिपॉजिटरी पे। व्हाट इफ यू डायरेक्टली अपलोड द फाइल्स ऑन गिटहब विदाउट मेकिंग अ लोकल रिपॉजिटरी, अगर आप डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं तो आप आपको मस्ट है कि आप उसके लिए एक गिट रिपॉजिटरी बनाएंगे। अगर आपके पास गिट रिपॉजिटरी नहीं होगी तो आप जो ये कमांड है गिट रिमोट ऐड जो हमने किया था, जो हमने लिंक किया था, आप वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मस्ट है आप गिट इनिट यूज़ करें, और जब तक आप गिट इनिट यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास एक लोकल रिपॉजिटरी नहीं बन सकती। अलबत्त आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो रिमोट रिपॉजिटरी है उसी में आप चेंजेस करते रहें, उसी में राइट यहाँ पे आप ऐड अ फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इस फाइल में बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने लोकल रिपॉजिटरी में कुछ नहीं करना चाहता, मैं जस्ट यहीं पे डायरेक्टली कुछ ऐड कर दूँ। सो लेट्स आल्सो नेम दिस डॉट एम डी अब मैं अगर इसको कमेंट कर दूं तो ये जो चेंज है ये डायरेक्टली यहाँ पे गिटहब पे आ गया, ये देख सकते हैं आप, और ये चीज़ लोकल पे नहीं है। तो आप लोकल पे नहीं करना चाहते तो यहीं पे आ जाइए, लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस है। आपको जब भी आपने कोई चेंज करना है तो आप एक न्यू ब्रांच बनाएं, वहाँ पर चेंजेस करें, उसको पुश करें और एक पुल रिक्वेस्ट बना दें। सो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। दिस वॉज आल फ्रॉम माई साइड, अभी आपकी जितनी भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी को स्टिल
किसी किसी क्वेश्चन का कोई आंसर ना मिल जाए तो आप मुझे लिंक्डइन या ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं. मेरे जितने हैंडल्स हैं वो सेम है खटक डेफ. तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है लेकिन यू कैन आस्क मी. यप दैट्स फ्रॉम माय साइड. Thank you so much, Arsalan, for joining us, and thank you so much, Asim. I hope this was a very informative session and the audience learned a lot from this. I've shared a message in the group for the audience. It has the links of our website and the blog. You can always visit them for more information. And there's a Facebook group of TechFlix. You can join the community to learn more. And there's also our YouTube channel where we upload all the videos of our events. So you can visit the channel and get the videos anytime you want. So I'll be sharing a feedback form in the comment section as well. So you all of you have to fill that feedback form, please. And thank you all for joining us. I hope it really helped you all.